सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की एक फ्रंट लुक दिखाऊंगा कि ये देखो। ये देखो हमारा पूरा का पूरा रेंगुलर कंटेंट पहली चीज बताऊंगा कि सारा सारा का जो काम है वो पूरा का पूरा बोलहोन कंपनी का है यहाँ हेडलाइट जो है इसको हम ड्रैगन डिजाइन लाइट बोलते हैं जिसके अंदर ब्लू प्लस व्हाइट रिंग आता है यहाँ इंडिकेटर पे ऑरेंज रहा है टायर दिख रहा होगा आपको कि आपकी फेंडर लाइनिंग से ऑलमोस्ट आधा इंची बाहर है तो पूरा एक डोर के ऊपर डिटेलिंग हाईलाइटिंग है उसके बाद आपको एक नजर गाड़ी के अंदर दिखाऊंगा तो यहाँ पर एसी वैन भी के फोर डिजाइन में लगे हैं जिसके अंदर इनर और आउटर दोनों कलर की लाइटिंग है जिसको आप चेंज भी कर सकते हो प्रॉपर लेदर बनी है देखिए पूरा जो एक डिजाइन है पूरा उसके बाद जो सेंटर पार्ट भी है वो भी पूरा का पूरा एक लेदर कुल्ड में डिजाइन है क्योंकि स्टपनी कवर स्टॉक टायर पे ही लगता है तो ये स्टॉक टायर पे हमारा एबीएस का बुलौन कंपनी का स्टपनी कवर है आपको आज इसका प्राइस भी बताऊंगा कि इसमें कितने रुपए की मॉडिफिकेशन हुई है हेलो गाइस गाई सत्या और नमस्कार स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर तो लास्ट वीडियो थी हमारे एक अलग नए कंटेंट के ऊपर कि भाई अगली बार कंटेंट लाएंगे बहुत जबरदस्त वाला तो ये वाला कंटेंट है बिल्कुल ही अल्टीमेट वाला कंटेंट है तो लास्ट वीडियो में एक प्रोमिस भी किया था आपसे कि भाई आपके लिए जिमनी भी लेकर आने वाले हैं वो भी जी वैगन लुक के अंदर तो एक झलक दिखलाऊंगा ये है हमारी जिमनी जो जी वैगन स्टाइल में जो बुलहॉन कंपनी का पूरा का पूरा जी वैगन किट लॉन्च हो चुकी है सो इसको कैप्चर करेंगे इसके बाद वाली वीडियो के अंदर फिलहाल बात करेंगे इस गाड़ी की तो तो चलते हैं हैं बेस्ट 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 लोकेशन लोकेशन के के ऊपर दिखाते हैं गाड़ी का पूरा काम तो ये है हमारी बेस्ट लुक के लिए बेस्ट लोकेशन, जहां पर सारी चीजें आपको क्लियर जस्टिफिकेशन हो जाती है और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है एक शांत माहौल है प्रॉपर गाड़ी कैप्चर हो जाती है तो आज मैं आपको मतलब वीडियो में कुछ बताने से पहले सबसे पहले एक चीज क्लियर करूंगा क्योंकि क्या है आप हमारी वीडियो देखते हो हम भी कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं कुछ थार मोडिफिकेशन की क्योंकि क्या होता है कि हमें भी कुछ सीखने को मिलता है कुछ चीजें देखकर वैसे तो बहुत कुछ सीखे हुए हैं लेकिन कुछ कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि कभी भी खत्म नहीं होता सो लेट अभी मैंने कुछ वीडियोज देखी यूट्यूब पे जिनपे लिखा हुआ है थार मोडिफाई वर्थ रुपीज सेवन लाख रुपीज फाइव लाख रुपीज टेन लाख रुपीज भाई मैं आपको ना इस गाड़ी का आज क्योंकि कहीं भाई मुझे कमेंट करते हैं भाई प्राइस नहीं बताते आप तो भाई पहले मैं आपको पूरी मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा उसके बाद मैं आपको आज इसका प्राइस भी बताऊंगा कि इसमें कितने रुपए की मॉडिफिकेशन हुई है भाई मैं कह रहा हूं आप हैरान होने वाला काम करोगे आज की भाई ये चीज इतने रुपए में होगी तो दिखाता हूं आपको पहले गाड़ी की जो लुक सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की एक फ्रंट लुक दिखाऊंगा कि ये देखो ये हमारा पूरा का पूरा रेंगुलर कंटेंट जो पूरी थार के अंदर ब्रॉडनेस अभी आप इसके अंदर ना पूरा का पूरा, पूरा एक बल्कि बन देख रहे कि गाड़ी ना बिल्कुल ही बिल्कुल एक बल्कि लग रही है उसके बल्कि लगने का रीजन क्या है यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर रेंगुलर सेवन स्लॉट ग्रिल डाली है पहली चीज बताऊंगा कि सारा का सारा जो काम है वो पूरा का पूरा बुलहौन कंपनी का है और इसके अंदर कोई भी चीज अदर मार्केट की नहीं लगी हुई यहाँ पूरा बुलहॉन कंपनी का सेटअप लगा हुआ है ग्रिल बात करें यहाँ सेवन स्लॉट लगी हुई है जो प्रॉपर एबीएस प्लस मेटल के अंदर आती है उसके बाद यहाँ हेडलाइट जो है इसको हम ड्रैगन डिजाइन लाइट्स बोलते हैं जिसके अंदर ब्लू प्लस व्हाइट रिंग आता है यहाँ इंडिकेटर पे ऑरेंज चल रहा है साथ में यहाँ लाइट एक और बात करें तो ये स्कैनिंग मोड की डीआरएल आर जो इंडिकेटर पे तो अभी ऐसी चल रही है बट अगर रेगुलर चलाएंगे तो व्हाइट कलर के मोड पे चलती है उसके बाद बात करते हैं बम्पर की तो बम्पर भाई ये बुलहन कंपनी का रूबिकोन स्टाइल बम्पर है अभी तक रेगुलर बम्पर आप देखते हो गाड़ियों के अंदर ये रूबिकॉन स्टाइल में क्या फर्क है इसके अंदर जो आप ये बम्पर में साइज देख रहे हो पैनल देख रहे हो ये पैनल ये स्क्रू खोल के निकल जाता है मतलब आप इस बम्पर को छोटा भी कर सकते हो तो ये बेसिकली एक ऑफ रोडिंग बन जाता है इसको छोटा करके और उसके बाद यहाँ पर स्पेस कवर लगे हुए बुलॉन कंपनी के और दूसरी चीज बताऊंगा जो ये बम्पर है ये ए प्लस मेटल के अंदर है कई भाई कहते हैं कि भाई ए की क्वालिटी है या फाइबर तो नहीं है भाई आप समझने में गलती करते हो मार्केट में जो बंपर मिलते हैं ना उसका जो ये ऊपर वाला पैनल होता है ये ऊपर वाला पैनल फाइबर का भी होता है जो एबीएस के नाम से बिकता है जहाँ स्क्रू लगे हुए पीछे मेटल से फोल्ड होते हैं क्योंकि इसके पीछे मिनिमम भी 15-16 केजी का लोहा लगा हुआ है जो बम्पर की हैवीनेस को लगाता है क्योंकि ये ना होगी आप गाड़ी चला रहे हो बम्पर कहीं हल्का सा टच हुआ और टूट गया क्योंकि कई भाई सवाल करते हैं भाई प्लास्टिक का बम्पर है हल्का सा टच होगा टूट जाएगा तो भाई टूटने के लिए इसके अंदर तभी अगर आप ये पैनल देख रहे हो ना ये जो साइड का पैनल खुलेगा इस खुलने वाले पैनल के पीछे भी पूरा का पूरा लोहा फोल्ड है मतलब ये नहीं है कि ये कॉर्नर पीस है इतना आपको लग रहा है कि कहीं लगेगा टूट जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं इसके अंदर पूरी हेवीनेस है ये कुंडे जो है फिर बताऊंगा कि ये प्रॉपर प्रॉपर लोहे के कुंडे हैं आप इसके अंदर गाड़ी बांध के भी खींच सकते हो लोकल बम्पर के अंदर ये कास्टिंग के कुंडे आते हैं ये टूट जाते हैं खींचने से भी गाड़ी बांधना तो बहुत दूर की बात है उसके बाद यहाँ स्पेस कवर जो है वो प्रॉपर मेटल के हैं जब बुलहॉन कंपनी के हैं कि प्लास्टिक का कोई काम नहीं है यहाँ पर स्पेस कवर के अंदर क्योंकि जो आफ्टर मार्केट में आप बंपर लगवाते हो उसके अंदर जो ये वाला पार्ट आता है ये आता है 50 ग्राम का एक पीस ये हमारा हाफ के जी का एक पीस ऑलमोस्ट होता है जो बुलोन कंपनी का स्पेस कवर होता है उसके बाद गाड़ी में आपको जो बोनट पे एक बल्कि बंद दिख रहा होगा वो ये है कि यहाँ बोनट स्कूप लगा हुआ है एक्जैक्टली सेम कलर के अंदर जो प्रॉपर प्रॉपर बोलो कंपनी का है तो ये कई भाई एक सवाल करते हैं कि भाई ये बोनट स्कूप जो है ना ये आप कैसे लगा दो भाई ये ना प्रॉपर प्रॉपर थ्रियम की ओरिजिनल टेप से ही प्रॉपर लगता है और इसके अंदर अगर क्या आपको बताऊँ कई भाई पूछते हैं कि भाई ये निकल तो नहीं जाएगा भाई आज ही लगा गाड़ी के अंदर गाड़ी रेडी हुई है अभी यह हिला रहा हूँ देखिए पूरी गाड़ी हिल रही है लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा एग्जैक्टली ओरिजिनल साइज है एक बार लगने के बाद ये मतलब ही नहीं है कि ये निकल जाए उसके बाद यहाँ पर ऊपर यूफो लाइट लगी हुई है प्रॉपर जो स्लिक डिजाइन में पूरी की पूरी और साथ में यहाँ पर अगर दिखाऊं तो स्नोकर लगा है थोड़ा सा इसको मतलब जैसे एक ऑफ कार होती है उसको लगाने के लिए या कॉर्नर लाइट लगे हैं जो वाइट और येलो कलर में जलती है और उसके बाद ना इसमें मतलब काफी चीजें है ऐसी हैं एक बार आपको एक फ्रंट से एक चीज दिखाऊंगा जो इसके अंदर खास बात है कि जैसे कई भाई सवाल करते हैं कि भाई हमें ना गाड़ी में अलॉय टायर नहीं लगाने मतलब स्टॉक रखने बट गाड़ी में मोडिफिकेशन करने के बाद लुक नहीं आती अभी आपको इस गाड़ी के अंदर एक ब्रॉडनेस दिख रही होगी टायर दिख रहा होगा आपको कि आपकी फेंडर लाइनिंग से ऑलमोस्ट आधा इंची बाहर है तो भाई कंपनी के जो टायर आते हैं ये वही है कंपनी का अलॉय जो आता है वही है बट वो अलॉय टायर आपका इतना अंदर होता है तो उसकी वजह क्योंकि यहाँ पर बुलहॉन कंपनी का स्पेसर लगे हुए हैं जो प्रॉपर एल्यूमिनियम स्पेसर होते हैं ये देखिए ये ब्लैक कलर के जो स्पेसर दिख रहे हैं आपको ये बुलहॉन कंपनी के स्पेसर है जो यहाँ पर लगे हुए हैं जिससे क्या है कि अगर आप गाड़ी के अंदर अलॉय टायर का मजा लेना चाहते हो क्योंकि क्या होता है थार जैसी मॉडिफिकेशन के अंदर ना जब तक थोड़ा सा टायर बल्कि में रहा है ना तब तक मॉडिफिकेशन सही नहीं लगती और तो कई भाई कहते हैं भाई हमें अलॉय टायर में मजा नहीं आता चेंज करने में हमें तो स्टॉक ही पसंद है तो भाई अगर आप स्टॉक टायर का मजा लेना चाहते हो और ऐसी मोडिफिकेशन चाहते हो तो आप अपने टायर के अंदर ये वाला स्पेसर डाल सकते हो बैक साइड के जो टायर है उसके अंदर भी आधा इंची का फर्क आ जाता है कि बाहर आ जाता है ऑलमोस्ट फेंटर लाइनिंग से तो कितना फर्क आया था गाड़ी के अंदर एक ब्रॉडनेस आ जाती है अभी आपको गाड़ी की पूरी की पूरी एक ब्रॉड लुक में लग रही होगी जैसे प्रॉपर एक रेंगुलर है अभी आपको अंदर बैठ के भी दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर की गाड़ी की जो फ्रंट लुक है ना मतलब चलाते हुए एक प्रॉपर रेगुलर फील आती है भाई इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ना प्रॉपर रॉयल इंटीरियर है और इतने सस्ते में काम किया ना मतलब आप कहोगे भाई की फ्री वाला काम है फ्री वाला भाई मैं आपको दिखाऊंगा अभी अंदर उससे पहले पहले साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं यहाँ पर जो साइड प्रोफाइल है हमारी वो मैंने आपको यहाँ दिखा दी कि ये हमारी लाइट्स है उसके बाद यहाँ पर बुलहन कंपनी की ही डोर इंच लगे हुए हैं जो प्रॉपर प्रॉपर एक प्रॉपर बुलहोन के लोगों के साथ में उसके बाद यहाँ पर साइड प्रोफाइल में आएंगे तो पीछे के टायर की बात करें तो पीछे का टायर भी अगर हम बैक साइड से देखें ना तो ये देखो कितना मतलब एक ब्रॉडनेस अभी आपको यहाँ से दिख रही होगी कि बैक वाला और फ्रंट वाले की ये लुक देखो मतलब आपको क्या जरूरत है टायर को चेंज करने की अगर किसी भाई को अलो टायर नहीं डालने तो भाई वो स्पेसर डाल के गाड़ी में ऐसी लुक पा सकता है बिल्कुल प्रॉपर एलोए वाली लुक उसके बाद यहाँ पर स्लिक डिजाइन की टेलर लगी जो प्रॉपर प्रॉपर एक्स डिजाइन की आती है जिसमें डॉट डॉट डौड वाला नया नया डिजाइन आ गया एक्जैक्टली सेम कलर के अंदर नीचे रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं जो प्रॉपर अभी इंडिकेटर के अंदर रनिंग में चल रहे हैं और इसमें एक चीज़ है कि कहीं भाई आप पूछते थे भाई आपका स्टपनी कवर भी आता है बहुत कम गाड़ियों में क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों में अलॉय लग जाते हैं तो स्टपनी कवर लगता नहीं क्योंकि स्टपनी कवर स्टॉक टायर पे ही लगता है तो ये स्टॉक टायर पे हमारा ए का बुलॉन कंपनी का स्टपनी कवर है जो प्रॉपर एक्जैक्टली सेम कलर में लगा है ये बेसिकली जी वैगन स्टाइल होता है और इसकी जो होल्डिंग है अभी मैं आपको इसकी होल्डिंग दिखाता हूँ बेसिकली ये पीछे से पूरा बंधा हुआ है बट लेकिन इसकी होल्डिंग ऐसी है कि इसके अंदर कहीं से कोई गैप नहीं दिखेगा आपको कुछ नहीं दिखेगा ये देखिए दिखे। और ये नहीं कि भाई कि कोई भी भाई आया और इसको ऐसे पकड़ा और निकाल लिया ये इतनी आसानी से निकलने वाली चीज़ नहीं है इसको पकड़ के निकालना पड़ता है दोनों साइड से जब निकलता है और ये पीछे से प्रॉपर बंद है मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर स्टपनी निकालनी है तो आप इसको निकालना पाओ बहुत ईजी भी है और मतलब ये है कि प्रॉपर कोई अपने आप निकालना कि कोई एकदम हाथ खींचे निकलेगा ऐसा नहीं होगा पर ये है कि प्रॉपर अगर गाड़ी के अंदर आपको जी वैगन लुक डालनी है बैक साइड में तो भाई ये स्टपनी कवर डाल सकते हो बड़ा ही सुंदर लगता है क्योंकि कई भाई फोन करते हैं भाई स्टपनी कवर बहुत बड़ा है बट बड़ लगने के बाद कैसा लगता है तो भाई ये लिया है आपके लिए व्यू कि लगने के बाद कैसा लगता है तो अब चलते हैं जो सबसे मेजर इस गाड़ी में है वो है इस गाड़ी का रॉयल इंटीरियर जो प्रॉपर प्रॉपर एक रॉयल कलर के अंदर है तो लेके चलता हूँ आपको इंटीरियर में और दिखाते हैं अंदर और भी क्या काम होगा गाड़ी के गाइज अब हम दिखा रहे हैं आपको अपनी गाड़ी का रॉयल इंटीरियर तो रॉयल इंटीरियर दिखाने से पहले आपको एक बात बताऊंगा कई भाई मुझे फोन करते हैं भाई ऐसा इंटीरियर हमने गाड़ी में दो दो लाख रुपए का करवाया तो भाई आपके दो लाख वाला इंटीरियर और आपके भाई वाली गाड़ी का जो इंटीरियर ये देखो ये देख रहे हो ये है रॉयलनेस गाड़ी की पूरी की पूरी मतलब एक प्रॉपर रॉयल कलर है जो गाड़ी में बैठ के ना आपको बाहर से तो पूरी एक लग्जरी जो अंदर से लग्जरी फील है और बाहर से बैठ के प्रॉपर एक स्पोर्ट्स जो फोर बाय फोर की गाड़ी रैंगर वाली फील भी दे दी है तो ये टू इन वन वाला मजा है गाड़ी के अंदर कि आप एक ऑफ कार भी चला रहे हो रेंगुलर स्टाइल में और अंदर से लग्जरी फील भी ले रहे हो भाई दोनों काम एक साथ कर दिए गाड़ी के अंदर तो डिटेल में बताता हूँ जैसे यहाँ पर इस डोर में ब्लैक का पूरा कॉम्बिनेशन था कंपनी का यहाँ हमने पूरा का पूरा यहाँ पर लाइट कलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसको उसके बाद यहाँ जो थार का पैनल सिल्वर कलर में था ये हमने वुडन मैट फिनिश में लिया है एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी मैट फिनिश मैच किया हुआ है ये वाला पार्ट हमने ग्लॉस ब्लैक में किया है जो पियानो ब्लैक होता है उसके साथ जो हैंडल है यहाँ पर ये भी हमने पियानो ब्लैक में किया है पूरे के पूरे इंटरनल जब आप ग्लॉस पन देखेंगे ना क्योंकि डिटेलिंग एक ऐसी चीज होती है जो पूरी की पूरी हाईलाइटिंग होती है तो पूरा एक डोर के ऊपर डिटेलिंग हाईलाइटिंग है उसके बाद आपको एक नजर गाड़ी के अंदर दिखाऊंगा तो यहाँ पर ए सी भी के डिजाइन में लगे हैं जिसके अंदर इनर और आउटर दोनों कलर की लाइटिंग है जिसको आप चेंज भी कर सकते हो और गाड़ी के अंदर बहुत सी चीजें हैं लेकिन पहले बाहर से आपको गाड़ी की छत दिखाता हूँ क्योंकि अंदर बैठ के पूरा इंटीरियर दिखाऊंगा जो गाड़ी के अंदर से छत है जो बनी हुई

ये प्रॉपर ओरिजिनल जगह पर लग जाता है कोई एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है कहीं भाई पूछते हैं कि भाई फिट कैसे होता है तो दिखा दिया आज आपको अब आपको गाड़ी में चल के बैठ के दिखाते हैं कि गाड़ी में बैठ के फील क्या आ रही है इंटीरियर की और डिटेलिंग भी दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर गई अब हम आ गए अपने लग्जरी विला के अंदर छोटा सा विला है हमारा बट लेकिन बहुत सुंदर विला बना है देखो और उससे पहले आपको एक चीज दिखाऊंगा गाड़ी की जो फ्रंट साइड में जैसे एक बोनेट हुड के लिए कहीं भाई पूछते हैं बोनेट हुड से देखो आप क्या बल्कि लोग आ रही है गाड़ी के अंदर अंदर बैठ गए ना आपको प्रॉपर लग रहा है कि भाई आप एक रेंगलर चला रहे हो क्यों भाई हर बंदे का बजट होता है क्योंकि हमारा बजट नहीं है अस्सी लाख रुपए की रैंगला लेने का तो भाई हम थार में रेंगल वाले मजे ले सकते हैं सो राइट ये है हमारी रैंगलर लुक जो प्रॉपर एक ब्रॉडनेस हो आप देख रहे हो गाड़ी के अंदर बाहर से कि एक प्रॉपर प्रॉपर बल्कि दिख रही है आपको बोनट रूट से गाड़ी बड़ी बड़ी थी क्योंकि इसके बिना थोड़ा बोनट ढलान है इसमें तो थोड़ा स्मॉल लगती गाड़ी अभी देखिए पूरी की पूरी एक बाहर से रैंग लुक है और अब अंदर पे आते हैं वापसी तो अंदर हमारा जो ये रॉयल इंटीरियर है रॉयल इंटीरियर में मैंने आपको डोर दिखा दिया एक्जेक्टली सेम कंसेप्ट डोर का है उसके बाद यहाँ स्टेयरिंग की बात करें तो प्रॉपर प्रॉपर यहाँ पर प्यू लेदर के अंदर स्टेयरिंग रैप है एक्जेक्टली सेम कलर के अंदर यहाँ पर ये यह प्लास्टिक कोटिंग हो रखी है जो एक मैचिंग कलर के अंदर होती है जिससे लगे ना कि इसके अंदर कोई डिफरेंस है बिल्कुल एक्जेक्टली सेम कलर लगेगा आपको लेदर में और कोटिंग में यहाँ वुडन का वर्क है पूरा का पूरा जो एक डिजाइन में प्रॉपर हमने कैप्चर किया हर जगह एक साथ में उसके साथ में ये भी पूरा मैच किया हुआ हमने वुडन के अंदर थोड़ा पास आए तो यहाँ मीटर का पार्ट जो आपको पीछे हाईलाइटिंग दिख भी नहीं रहा होगा मतलब गाड़ी में बैठ रहे हैं तो ये भी नजर आ रहा है ये पूरा वुडन के अंदर हुआ हुआ है और पूरा डैशबोर्ड जो ऊपर का है वो पूरा एक सेम कलर के अंदर सारा का सारा कंसेप्ट हो रखा है यहाँ इसका जो हैंडल है यहाँ पर वो पूरा वुडन के अंदर ही है ये देखो डिटेलिंग देखो भाई मैं आपको एक एक डिटेलिंग दिखा रहा हूँ यहाँ आएंगे तो नीचे की जो जाली है स्पीकर की ग्रिल है ये भी पियानो ब्लैक में हुई है क्योंकि क्या है नीचे की तरफ जगह नजर नहीं जाती बट लेकिन जो हमारे इंटीरियर में कैप्चर हो रही है ना चीजें हम बैठ रहे हैं अंदर हमें दिख रही है तो हम तो वो देख के काम करते हैं कि भाई जब हमें एक एक चीज नजर आए तो कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए और एक फ्रंट लुक की बात करें जो हमारा सेंटर पार्ट जो सबसे मेन पार्ट होता है जो एक गाड़ी की सबसे बड़ी लुक है उसके अंदर ये लुक है जिसके अंदर ये फ्रेम है स्टीरियो का ये भी हमने पूरा का पूरा फ्रेम वुडन में किया है थोड़ा सा नीचे आते हैं यहां पर ये वाला पार्ट वुडन में है और ये जो है के फोर के हमारे ए सी वेंट है जिसमें आप आउटर लाइटिंग और इनर लाइटिंग दोनों देख रहे हो इसकी मोड चेंज हो जाते हैं यहाँ पर हमने इसका बटन लगाया जो आपको बटन जो दिख रहा है यहाँ पर पहले तो आपको वुडन दिखाए ये पूरा पैनलिंग पूरा वुडन का हुआ हुआ है नीचे तक आएंगे तो ये वाला पैनल जो गियर बूट के कवर जो बने हुए लेदर के साथ में ये पैनल बना हुआ है ये भी वुडन में बना हुआ है उसके अलावा आपको चीज दिखाऊं यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ना नीचे वाला पार्ट ये भी हमने पियानो ब्लैक में किया है यहाँ हमने एक बटन लगाया देखिए ये बटन जो है ये हमारे के फोर के सी वैंड के लिए जिससे कलर चेंज हो जाते हैं और आपको लग रहा होगा पार्ट ऑफ uh, कार है कि कार में लगा हुआ आया हुआ बटन वाला बट एग्जैक्टली सेम पूरा का पूरा हमने अलग से लगाया उसके बाद यहाँ आमरेस की बात करूँ भाई आमरेस भी ना जो लगाने के बाद हमने प्रॉपर प्रॉपर सेम डिजाइन के अंदर इसको यहाँ पे बनाया और एक मतलब बिल्कुल एक स्लीक सा डिजाइन है बिल्कुल एक हल्का डिजाइन है जो आपको एक कंफर्ट भी दे रहा है और क्वालिटी भी अच्छी लग रही है सीटों के डिजाइन की बात करें तो बैक साइड की सीटें भी जितनी आप देख रहे हो पूरे एक ही डिजाइन के अंदर चल रही है जो डिजाइन हमारा इस इसको चल रहा है वही डिजाइन चल रहा है एक्जेक्टली पे भी हमारा सेम डिजाइन ही चल रहा है तो पूरा एक डिजाइन जो है ना कई गाड़ी आप देखते हो क्योंकि क्या होता है एक इंटीरियर ना बड़ी मेजर चीज है कि जिसके अंदर ना हम भरते नहीं है भरते मीन्स की अभी आप देखोगे तो पूरा एक कॉम्बिनेशन चल रहा है गाड़ी के अंदर मतलब कोई चीज आपको अलग से नहीं दिख रही थी कि यहाँ कुछ और कलर है यहाँ कुछ और कलर है अभी मैं गाड़ी के अंदर जब एसी वेंट डाल रहा था तो भाई मैं एक बार सोच रहा था ब्लैक करूं क्योंकि यहाँ पर ब्लैक का कंसप्ट ज्यादा दिख रहा मुझे क्योंकि डिटेलिंग ब्लैक है बट जब मैंने सिल्वर डाले ना भाई एक सिल्वर की भी डिटेलिंग अलग ही दिख रही है मैं एक बार दोबारा दिखाऊंगा आपको डैशबोर्ड की लुक जो है वो देखो भाई मतलब एक सिल्वर कलर भी जो है ना एक अलग ही हाईलाइट हो रहा है गाड़ी के ऊपर और इस गाड़ी के अंदर ना ये है एक लग्जरी सेगमेंट अगर आप कहते हो भाई आपको ना स्पोर्ट्स इंटीरियर चाहिए मतलब रेड कलर में चाहिए या टैन कलर में चाहिए येलो ग्रीन कोई भी कलर चाहिए भाई आप गूगल से पिक्चर निकाल लो भाई के पास सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वालिटी वैसी बना के दे दूंगा आपको जो आप चाहते हो तो ये कस्टमाइजेशन वाला काम आपके हिसाब से करेंगे आपके हिसाब से ही होगा क्योंकि काम आपका है आपने गाड़ी लेके आनी है सर मेरे को बताना भाई आपने मेरे को ऐसा कॉम्बिनेशन देना है जो चीज आपको गलत लगेगी हमें वो हम आपको बता देंगे बाकी कोशिश करेंगे कि जैसा आप सोच के हो बिल्कुल वैसा काम करें तो दोबारा चलते हैं एक बार गाड़ी के बाहर वाले पार्ट पे और दिखाते हैं दोबारा कि अब गाड़ी में क्या रह गया है देखते हैं एक बार तो गाइज आगे गाड़ी की फ्रंट लुक के ऊपर दोबारा से सो so अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि भाई मैं एक बार प्राइस डिस्कस करूंगा गाड़ी का कि भाई कई भाई पूछते हैं भाई कितने रुपए की मॉडिफिकेशन है क्योंकि मैंने पहले आपको डिटेल में दिखा दिया कई भाई क्या करेंगे अगर पहले आपको कुछ प्राइस की कोटेशन दूंगा तो आप पहले वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा इस प्राइस में क्या क्या काम हुआ है काम मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ छोटी छोटी डिटेलिंग वाली मैंने आपको लाइटें भी दिखा दी है बहुत सारी गाड़ियों में चीजें लगी काफी चीजें लगी हुई है गाड़ी के अंदर भी बाहर भी तो मैंने आपको डिटेल में सब एक चीज दिखा दी इसमें अंडर बॉडी भी लगी थी नीचे की जो भी हमने कैप्चर नहीं करी थी बट इसमें वो भी लगी थी तो स्पेशल भी दिखा दिया आपको हर एक चीज दिखा दी मैंने आपको भाई ऐसी मोडिफिकेशन अगर आप देखते हो तो आपके शहर में कहीं भी आप सामान मंगवा भी सकते हो ये वाला तो भाई पांच लाख सात लाख रुपए आपसे मांगते हैं ना हमने इस गाड़ी के सात लाख रुपए लिए हैं ना पांच लाख रुपए लिए है ना भाई हमने इस गाड़ी के तीन लाख रुपए लिए हैं इवन हमने इस गाड़ी के दो लाख भी नहीं लिए पूरे तो मैंने आपको एक कोटेशन दे दी है कि हमने इस पूरी मोडिफिकेशन की मैं आपको इसके अंदर कोई घुमाई वाला काम नहीं करूंगा कि भाई मैं अभी पूरे ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं आपसे जिसमें हमारा रॉयल इंटीरियर भी है ये ए टू जेड लाइटिंग का काम भी है ये बुलॉन की मोडिफिकेशन भी है भाई ये सारा कुछ मैं आपसे बात कर रहा हूं सारा कुछ भाई पांच सात दस लाख रुपए का काम नहीं है हमने इस काम के दो लाख भी पूरे नहीं लिए तो मैं आपको अंडर लाख में करके दे दूंगा भाई और अगर इससे बढ़िया भी कुछ करवाना है और भी अच्छा काम कराना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे नंबर है भाई सबसे मेन चीज चैनल को फॉलो करोगे ना तभी ये कंटेंट मिलेगा देखने के लिए मैं एक्स्ट्रा कंटेंट कभी भी नहीं लाता कि भाई मैंने ग्रिल लगाई कुछ हटके काम होता है वही दिखाता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो जिमनी की होगी हो सकता है बीच में एक थार भी आ जाए बट जिमनी भी आ रही है जी वैगन के अंदर पूरी बुलोन की किट लॉन्च हो गई है तो बने रहिए चैनल के ऊपर फॉलो करके ताकि नेक्स्ट कंटेंट में मिल सके धन्यवाद